एक बार फिर से मैं अपना खास प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बात करूंगी जम्मू कश्मीर में मचे सियासी बवंडर को लेकर। सियासी बवंडर तो कठुआ कांड को लेकर वैसे ही कम नहीं मचा था कि वहां कविंद्र गुप्ता ने आग में और घी डाल दिया। कविंद्र गुप्ता नए डिप्टी सीएम बने हैं जम्मू कश्मीर के। कल उन्होंने शपथ ली और उनके साथ सात और मंत्रियों ने शपथ ली थी, क्योंकि महबूबा कैबिनेट से यानी कि जम्मू कश्मीर कैबिनेट से जो विधानसभा कैबिनेट थी उससे कठुआ कांड से जो थे उसके बाद ताबड़तोड़ इस्तीफे हुए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कम 8 चेहरे वहां से हटे थे और फिर उन्हीं चेहरों की कल भरपाई की गई है। अगर मैं उन चेहरों के हटे हुए चेहरों की का जिक्र करूं तो लाल सिंह और चंद्रप्रकाश गंगा का नाम सामने आया था जिन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि इन्होंने हिंदू एकता मंच से कठुआ कांड के आरोपियों का समर्थन किया था। और उसके बाद लाल सिंह के तेवर भी तल सामने आए थे। लेकिन अब इस बात करते हैं फिलहाल कविंद्र गुप्ता को लेकर, और कविंद्र गुप्ता फाइनली जम्मू कश्मीर के नए उप मुख्यमंत्री बन गए और उन्होंने निर्मल सिंह की जगह ली है जो कि पहले वहां के डिप्टी सीएम हुआ करते थे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या कविंद्र गुप्ता से एक अच्छे शासन की उम्मीद की जा सकती है? क्या जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में आकर लाल सिंह की शिकायत की थी, ये अंदर खेमे की खबर है क्योंकि कठुआ कांड को लेकर वो दिल्ली आई थी, उन्होंने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी, उसके बाद ये बड़ी खबर सामने आई थी। तो ऐसे में आप सोचिए क्या महबूबा मुफ्ती कविंद्र गुप्ता को लेकर एक्शन नहीं ले सकती है, क्योंकि उन्होंने पद पर बैठते ही इतना घटिया बयान दिया है कि क्या कहूँ मैं। कठुआ कांड को लेकर कहते हैं कि छोटी मोटी घटना है, उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया जाना चाहिए, और कहते हैं कि पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बढ़ा चढ़ा कर आप घटनाओं को पेश कर दें। कल जैसे ही उन्होंने शपथ ली उसके बाद उनका ये बयान, क्या उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मोदी सरकार उनसे क्या चाहती है? क्या उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि उनको किस लिए बैठाया गया है? क्या उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर निर्मल सिंह को हटाकर उन्हें ही क्यों चुना गया उप मुख्यमंत्री के लिए? दारोमदार उन पर जबरदस्त है, अगले साल लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में क्यों वो ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जैसे मोदी सरकार की लुटिया ही डूब जाए? और जब अपने ही, वो कहते हैं ना, जब हमें अपनों ने ही लूटा, बेगानों में क्या दम था, हमारी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। तो कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है इस बार बीजेपी का, और बीजेपी के नेता जहां पर कठुआ कांड में जब लाल सिंह चंद्रप्रकाश गंगा का नाम सामने आया था उसके बाद जो बीजेपी के नेता हैं राम प्रकाश माधव वो गए थे वहां पर सारी सियासी गलियों को बिठाने के लिए। उससे पहले भी जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के और जब वहां पर अलायंस में सरकार आई थी पीडीपी और बीजेपी की, तो वहां पर भी राम प्रकाश माधव की भूमिका रही है और राम प्रकाश माधव की भूमिका त्रिपुरा में भी रही है 25 साल पर हमारी सरकार को हटाने के लिए। तो ऐसे में आप सोचिए राम प्रकाश माधव गए थे, उसके बाद ये नसीहत दी गई थी पार्टी आला कमान की तरफ से कठुआ कांड को लेकर सारे मंत्री जितने भी बीजेपी के मंत्री हैं वो अपनी जुबान पर ताला लगाएं, वो अपनी भाषा पर थोड़ा संयम बरतें। अभी एक बात बताइए कि यहाँ पर कविंद्र गुप्ता जैसे ही डिप्टी सीएम बनते हैं और वो इतना घटिया बयान देते हैं, सोचिए फिर और लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। कहीं ना कहीं मैंने आपको कल कहा था कि जब उनसे ये पूछा गया था कि क्या सीबीआई जांच कराएंगे तो उनका पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए चाहे कैसे भी हो, तो यानी कि उनका कहने का मतलब था कि इस केस की जांच वो सीबीआई से करवा सकते हैं। महबूबा मुफ्ती पर प्रेशर बहुत जबरदस्त है, लेकिन महबूबा मुफ्ती से अभी कोई सवाल नहीं किया जा रहा, या तो कोई जवाब देना नहीं चाहती है वो कठुआ कांड की सीबीआई जांच को लेकर। लेकिन अभी यहाँ कविंद्र गुप्ता के बयान की भी बात करूंगी, उन्होंने कहा क्या है उसके बाद बताती हूँ आपको कि आखिर इस केस में अब क्या टर्न आ सकता है। कठुआ कांड को लेकर ये देखिए इन्होंने कहा है, पत्रकारों से बात करते हुए कविंद्र गुप्ता ने कठुआ रेप और हत्या मामले को मामूली सी बात करार दे डाला, और ऐसे में सोच सकते हैं आपकी, ये देखिए कठुआ कांड छोटी सी घटना है और इसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ये इनका कहने का मतलब है कविंद्र गुप्ता का। तो सोचिए किस तरीके से इन्होंने कहा है कठुआ कांड छोटी मोटी घटना है, इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, और हत्या को मामूली, कठुआ कांड को मामूली सी घटना कह रहे हैं कि मामूली सी घटना है, इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की जरूरत क्या है। कुछ ऐसा ही बयान दिया था संतोष गंगवार ने, जिन्होंने कहा था एक दो रेप हो जाते हैं देश में कौन सी बड़ी बात है, उन्होंने यही बयान दिया था। अब देखिए यहाँ पे यही बीजेपी के ही नेता हैं जिन्होंने इस तरह से बयान दिया। सोचिए बीजेपी की अगर छवि कट्टर हिंदूवादी कही जाती है, हिंदुत्ववादी छवि उसकी कही जाती है, तो कहीं ना कहीं इस बात को साबित कर रहे हैं कविंद्र गुप्ता, क्योंकि उन्हें लग रहा है जब उन्हें पता है ये बात कि कठुआ कांड को लेकर बीजेपी खुद घिरी हुई है, क्योंकि उनके दो नेताओं के नाम सामने आए थे। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये कि लाल सिंह और चंद्रप्रकाश गंगा का नाम सामने आया तो उन्हें पार्टी में रखा क्यों, उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए, उन्हें पार्टी में रखा क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं पार्टी शह तो दे रही है, भले उनका इस्तीफा ले लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपने उनको पार्टी बना के ये तो साबित करने की कोशिश की कि आप ऐसे आरोपियों को, ऐसे गुनाहगारों को अपने यहाँ शरण देते हैं।
हालांकि पार्टी कहती है अभी उन पर कोई आरोप नहीं है, हमने उन पर एक्शन लिया, एक्शन तो लिया है लेकिन उसका रिजल्ट क्या सामने आया है आप हमें ये बताइए। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह कि कठुआ कांड को मजहबी रंग से देखा जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है हमेशा ही, क्योंकि अभी दिल्ली के मदरसे में, जो दिल्ली से सटे गाजियाबाद शहर में जो मदरसे में एक घटना सामने आई, लोग कह रहे हैं कि उसमें एक मौलवी ने इतना गंदा काम किया, तो वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है और कठुआ कांड को लेकर लोग आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर मजहब को देखकर लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अब पता नहीं इसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन हाँ इस बात की निंदा तो मैं भी करना चाहूँगी कि अगर आपने कठुआ कांड पर अपनी आवाज़ बुलंद की तो फिर आप इस कांड पर अपनी आवाज़ बुलंद क्यों नहीं कर रहे हैं। बच्ची तो वो भी थी और बच्ची तो ये भी है, तो फिर कहाँ गए वो सारे सियासतदार और कहाँ गए वो सेलिब्रिटीज़ और वो जो यहाँ पर पैनल लेके कह रहे थे जस्टिस फॉर परी। क्या जस्टिस फॉर गीता नहीं हो सकता है, आप कैंडल मार्च नहीं हो सकता है, क्योंकि लोगों को उसमें सियासत नजर आ रही है। यहाँ बच्ची का मामला है, हम कोई यहाँ पर कोई गलत बात नहीं, कोई गलत किसी की भावना को हम ठेस नहीं पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सियासत देखिए जरा। राहुल गांधी रात के 12 बजे कैंडल मार्च निकालते हैं जंतर मंतर पर, इंडिया गेट पे, आप सोचिए किस तरीके से यहाँ पे प्रियंका गांधी पहुंचती हैं, इनका बखूबी साथ देती हैं, आप ये सोचिए जरा कि किस तरीके से राहुल गांधी को आप इस मामले पे बयान नहीं देना चाहिए। आखिर वो क्यों खामोश हैं, क्या यहाँ पर इस मामले को लेकर राजनीति नहीं की जा रही है? कठुआ कांड को लेकर राजनीति इसलिए की जा रही है कि जम्मू कश्मीर संवेदनशील मुद्दा है देश का और वहाँ पर हमेशा से ही अलगाववादियों का जिक्र होता रहा है, जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान को अपना नहीं मानते हैं और इसी तरह जम्मू कश्मीर के नियम कानून देश के अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है और तभी शायद उसके लिए एक अलग संविधान भी बनाया गया है एक अलग तरीके से। तो आप खुद ये बात सोचिए किस तरीके से वहाँ पर एक आर्टिकल है वहाँ पे उसके लिए एक अलग से वहाँ पे व्याख्या की गई है जम्मू कश्मीर के लिए। तो फिर ऐसे में आप सोचिए कि जम्मू कश्मीर इतना संवेदनशील मुद्दा है, वहीं के जिले कठुआ में ऐसी घटना सामने आती है और फिर उस पर हमारे सियासतदार सियासत करते हैं, कहाँ तक सही बैठता है? सब ये कहते हैं कि बीजेपी के नेता उसमें इन्वॉल्व थे, बीजेपी के नेता इन्वॉल्व थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, अब वो कुछ भी नहीं रहे, हालांकि वो विधायक हैं, विधायकी के तौर पर काम करेंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं आप पहले ये बताइए। आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अगर जितनी जिम्मेदार बीजेपी है तो उतनी ही जिम्मेदार कांग्रेस है, क्योंकि उन्होंने दोनों केस को एकदम अलग अलग करके सिर्फ और राजनीति के चश्मे से देखा है। फिलहाल अभी बात करूंगी कविंद्र गुप्ता को लेकर, और कविंद्र गुप्ता ने जिस तरह से बयान दिया है वो अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है कि आप बीजेपी अभी भी आरोपियों के साथ है, क्या वाकई बीजेपी अभी भी आरोपियों का साथ दे रही है? इनडायरेक्टली तौर पर कहीं ना कहीं कविंद्र गुप्ता का बयान तो यही दर्शा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं उन्हें खुद सोचना चाहिए कितनी संवेदनशील घटना है। और यहाँ पर हम धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, हम सेकुलर कंट्री की बात करते हैं, हम यहाँ पर प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, सद्भावना सद्भाव विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। क्या इस तरह से विकास होगा हमारे देश का जब हमारे ही नेता जो हमारे नेता इस तरह से तल्ख टिप्पणी करेंगे? कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने का काम ये नेता करते हैं और हम बेवकूफ़ जैसे लोग इनकी बातों में आके भड़क जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अगर आप देखिएगा जब भी यहाँ पे का संवेदनशील मामले सामने, जितने भी दंगे हुए हैं देश में उसमें देखिएगा आप नेताओं के नाम जरूर सामने आए हैं और उसमें कोई नेता का किसी नेता ने अपना नहीं खोया है, लेकिन हाँ आम जो दो संप्रदाय भरे हैं उन दोनों में से किसी ने अपना जरूर खोया है। आप खुद समझिए मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमें सोचना है कि हमें कैसे चलना है। लोग आग लगाएंगे तो क्या हम लोगों की कहने पे चलेंगे? नहीं ना, क्योंकि हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं। आज का युवा क्या चाहता है? विकास। आज का युवा मजहब जाति में बनकर नहीं रहना चाहता है कि उसको ये जाति है, हालांकि ऐसी टेंडेंसी अभी भी हमारे देश में है और शायद आने वाले समय में कई सालों तक बरकरार भी रहेगी, लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए हमें? विकास चाहिए। क्या इस तरह से विकास होगा? अगर यहाँ पे छोटी सी घटना उसको करार दिया जा रहा है तो देश में अनगिनत रेप होते हैं, NCERB के आंकड़े देख लीजिए, यहाँ पे अनगिनत रेप होते हैं, कितना एक्शन होता है बताइए जरा, कितना एक्शन होता है उस पर? हमारे जिस तरह के नेता जैसे डिप्टी CM कविंद्र गुप्ता ने बयान दे दिया, छोटी सी घटना नहीं है, ये बच्ची से जुड़ा मामला है, इसमें मजहब मत ढूंढिए आप, इसमें आप इंसानियत ढूंढिए, जिस तरह से उसके साथ गलत काम किया गया वो ढूंढिए आप। यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे वजह बहुत हो सकती हैं इस कांड को अंजाम देने की, लेकिन बच्चे के साथ इतना गंदा काम करने की ज़रूरत क्या थी? अगर हमारी किसी से भी कोई भी तल्ख दुश्मनी है, मतभेद है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम किसी बच्ची के साथ इस तरह से दुराचार करेंगे। ये तो सरासर इंसानियत को तार तार करने वाली बात है। ये तो वही बात हो गई कमज़ोरी पर वार करना, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। ये तो कहीं ना कहीं फिर ये है दिखाता है कि आप कितने बड़े
अंदर से खोखले हो और या फिर आपके अंदर बिल्कुल दम नहीं है कि आप बच्ची का यूज़ कर रहे हो अपने काम करने के लिए। और कहीं ना कहीं इसमें खुलकर बात सामने, सांझी राम ने खुद कहा है कि वो बकरवाल समुदाय को वहाँ से हटाना चाहता था, लेकिन इसके लिए आपने बच्ची का जिस तरह से यूज़ किया वो बहुत गलत है, और जिस तरह से बच्ची को लेकर सियासत की जा रही वो उससे ज़्यादा गलत है। सांझी राम ने बयान कबूल कर दिया है, 7 मई के बाद कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। निसंदेह ऐसे आरोपियों को तो सीधे फांसी ही देनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने इतना गंदा काम किया है और जिन्होंने सिर्फ बच्ची को इसलिए बच्ची के साथ इसलिए इतनी हमालत पार कर दी क्योंकि वहाँ पे लोग इसको मजहबी नाम दे रहे थे। मजहब के नाम पर इंसानियत को तार तार करना कोई भी स्वीकार नहीं करता है। फिलहाल कविंद गुप्ता पर देखते हैं कि आप बीजेपी क्या बयान देती है, या खामोश रहती है, या फिर कविंद गुप्ता ऐसे ही धर्रे पर चले जाते हैं। नमस्कार दर्शकों।